नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शिवमोगा के हिंसा प्रभावित इलाके में जाकर सबूत खोजेगी बीजेपी, राज्य इकाई ने टीम गठित की। दरअसल कर्नाटक बीजेपी की राज्य इकाई ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति का गठन किया है। यह समिति गुरुवार को शिवमोगा जिले के हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करके तथ्य को जानने का प्रयास करेगी। दरअसल शिवमोगा में ईद मिलाद जुलूस के बाद दौरान दो गुटों में तनाव हो गया था, जिसमें पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए थे। शिवमोगा के रागी गुड्डा इलाके में ईद मिलाद जुलूस के दौरान तनाव हुआ था। पुलिस ने कहा कि हिंसा प्रभावित इलाके में अब स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। हालांकि पुलिस ने गुड्डा इलाके में धारा 144 लगा दी थी। नजर डालते हैं एक और खबर पर। वायुसेना को मिला LAC तेजस ट्रेनर विमान, मंत्री अजय भट्ट ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। दरअसल वायुसेना को बुधवार को LCA तेजस ट्विन सीटर ट्रेन विमान मिल गया। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD CB अनंत कृष्णन ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को बेंगलुरु में हुए कार्यक्रम में ट्रेनर विमान को सौंपा। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा, आज एक महत्वपूर्ण दिन है और पहली दो सीटों वाला LCA विमान को स्वीकार करना मेरे लिए गर्व की बात है। आज का दिन इतिहास में एक उल्लेखनीय दिन के तौर पर दर्ज किया जाएगा। यह भारतीय घरेलू विमानन उद्योग की शक्ति का उदाहरण है। रुक करते हैं एक और खबर का। सिक्किम बाढ़ में लापता हुए सेना के 23 जवान, PM मोदी ने CM प्रेम सिंह से की बात। दरअसल सिक्किम के लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तिस्ता नदी में भीषण बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में सेना के 23 जवान लापता हो गए। हालांकि केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि तिस्ता नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। PM मोदी ने सिक्किम में आए भीषण बाढ़ को लेकर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। PM मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सिक्किम के हालातों को लेकर राज्य के CM से बात की और उनसे दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सिक्किम में किसी भी चुनौती से निपटने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। मैं प्रभावित लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार तिस्ता नदी का जल स्तर बुधवार दोपहर 1 बजे तक खतरे के निशान से नीचे था। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार देर रात बादल फटने से तिस्ता नदी में भीषण बाढ़ आ गई, 5 लोगों की मौत हो गई और सेना के 23 जवान भी लापता हो गए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।